जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है IBPS बैंक की भर्ती। यहाँ पर जो पोस्ट आएंगे मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 8611 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले निकाला जा चुका है, लेकिन अभी इसकी डेट नज़दीक आ चुकी है। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 28/6/2023 रखी गई है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत में वैकेंसी रहेगी। हर स्टेट में वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। 8611 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक जो 10th है या जिन्होंने 12th किया है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास भी आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दोस्तों इक्विवेलेंट जो भी एयरफोर्स और नेवी के हैं सभी इसके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो मेन बात है कि परसेंटेज का जो कॉलम होता है उसमें क्या फिल करना है, तो दोस्तों उसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देखेंगे आप कि वहाँ पर स्टार का कॉलम नहीं होता, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है। आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 15 साल सर्विस की है, आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो वाला यदि टिक कर दिया है तो आपको परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। तो ये जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। और ऑनलाइन का जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा अगस्त 2023 में होगा, रिजल्ट वगैरह जो इसका निकलेगा सितंबर 2023 में, और मेन एग्ज़ाम सितंबर 2023 में होगा। वैकेंसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फीस है जो ₹175 है पूर्व सैनिकों के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए जो है ₹850 रखी गई है। इन वैकेंसीज के लिए एज है 28 साल मैक्सिमम है, 18 से 28 साल जो पूर्व सैनिक है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है। जो भी आपकी अपनी एज है, जो टोटल आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल और यहाँ पर माइनस करनी होगी, और आपकी एज 18 से 28 साल की जो कैटेगरी है उसके अंदर आनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या डिटेल्स रहेगी, स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, हर स्टेट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप यदि अप्लाई नहीं किया आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। रीजनिंग 40 नंबर का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का, टोटल 80 नंबर का यहाँ पर फ्री होगा दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट मल्टी जो पर्पज़ है उसका, और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क के टोटल होते हैं और 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड एक टेस्ट भी होता है। सेंटर्स कहाँ कहाँ रहने वाला है उसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।